भाजयुमो नवीन छात्रा ने सेवा समर्पण पखवाड़ा मनाते हुए नमो क्विज का किया आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा ही समर्पण पखवाड़ा मनाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो नवीन छात्रा ने नमो क्विज का आयोजन किया। इस क्विज के माध्यम से नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ ही नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसलों समेत बहुत सी जानकारी को साझा किया गया। कार्यक्रम में भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष वासु रुक्खड़, रोहतास नगर के विधायक जितेंद्र महाजन, जिला महामंत्री मनोज त्यागी, स्थानीय निगम पार्षद हरिप्रकाश बहादुर, निर्मल कुमारी ठाकुर, विकास पुंडीर, नितेश राजपूत, प्रियंका छावड़ी, विकास भारद्वाज के अलावा युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजयुमो नवीन छात्रा जिला अध्यक्ष आशीष पुनिया ने बताया कि कार्यक्रम में उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी को भी शामिल होना था, वह किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए, लेकिन सांसद मनोज तिवारी ने युवा मोर्चा के सदस्यों को संबोधित करते हुए एक वीडियो संदेश भेजा है जो कहीं न कहीं भाजयुमो की टीम के लिए मार्गदर्शक रहा। आशीष पुनिया ने बताया कि सेवा समर्पण पखवाड़ा के तहत आगामी 7 अक्टूबर तक नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा भाव के कार्यों को करते हुए मनाया जाएगा। दिल्ली के दूसरे हिस्सों की तरह ही भाजयुमो नवीन छात्रा जिला भी लगातार कार्यक्रम करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाते रहेंगे। नमस्कार, मैं मनोज तिवारी, सांसद उत्तर पूर्वी दिल्ली। आज मुझे नवीन छात्रा जिले के युवा मोर्चा द्वारा जो नरेंद्र मोदी सरकार के 7 सालों के उपलब्धियों को बताने के लिए एक नमो क्यूज का आयोजन किया गया, उसमें मुझे आना था लेकिन मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, क्षमा चाहता हूं। आज मैं सोचा था उसमें आऊंगा तो जो नरेंद्र मोदी सरकार में युवाओं के लिए जो कार्य हुए हैं या फिर जो भारत के निर्माण के लिए जो कार्य हुए हैं वो सब मैं बताता अपने यूथ के साथ, तो आज मैं नहीं आ रहा हूं, क्षमा चाहता हूं आप सबसे। जल्दी हम मिलेंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये नमो क्यूज का आयोजन बहुत लोगों को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन से परिचित कराएगा। हमारे नवीन छात्रा युवा मोर्चा के अध्यक्ष आशीष पुनिया के नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए बहुत मेरी शुभेच्छा है, खूब अच्छा करिए आप। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।